तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। एक मूवी जिसने धर्म के ठेकेदारों से पंगा लिया था, ना कि सिर्फ मूवी में बल्कि रियल लाइफ में भी। एकमात्र ऐसी फिल्म जिसने जनता से फुल सपोर्ट भी मिला था और दबा के प्यार भी मिला था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ OMG की, जिस फिल्म का लोग द एंड नहीं चाह रहे थे। मींस इस कंटेंट में लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो चाहते थे इस फिल्म को काफ़ी लंबा खींचना। तो अब 11 साल बाद ये मुराद लोगों की अब पूरी हो गई है और OMG 2 का जबरदस्त सिक्वल आने के लिए जबरदस्त तरीके से वेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मूवी रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है मेकर्स की तरफ से एक जबरदस्त पोस्टर अनाउंसमेंट करके, जिसमें अक्षय सर का लुक क्या अमेजिंग लग रहा है। यह बंदा वाकई में काम का भूखा है। फिल्म साल में 10 आती है लेकिन इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी फिल्म पिट गई है, कौन सी फ्लॉप हो चुकी है, कौन सी हिट गई है। ये बस अपने काम पर फोकस रखता है और हर बार एक जबरदस्त कमबैक के साथ अपनी औसत निकाली लेते हैं। यस, सेल्फी पिटी लेकिन राम सेतु ने सबका दिल जीत लिया। और हर बार एक ऐसे कंटेंट को चुनना, फिर उसमें एक्टिंग का तड़के से ऐसी सजावट डाल देना, भाई साहब इसे अक्षय सर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, ऑडियंस बिल्कुल OMG को देखकर जैसा ट्रेंड तब चला था और वही वाइब, वही ट्रेंड मानो फिर देखने को मिलने वाला है। यस, पोस्टर तो बहुत धांसू निकाला गया है जिसमें अलग ही छाप छोड़ रहे हैं अपने परफेक्शन अक्षय सर। जी दोस्तों, मूवी 150 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली OMG 2 इस बार भी बेहतरीन कास्ट के साथ नजर आने वाली है और आपको अक्सेस दिखने वाले हैं इस बार भोला भंडारी के रूप में, बोले तो शंकर भगवान के रूप में। साथ ही आपको अरुण गोविल जी भी दिखने वाले हैं जिन्होंने लॉर्ड राम का अमर करेक्टर पहले ही कर चुके हैं। इसी के साथ पंकज त्रिपाठी जी का भी अहम रोल होने वाला है, साथ ही यामी गौतम भी आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, कास्ट में कोई कमी नहीं है, कास्ट तो काफी दमदार है और ऐसे कॉन्टेंट पर अक्सर पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज स्टार की फिल्में हिट ही जाती हैं। दोस्तों, सब बढ़िया है इस फिल्म का, एवरीथिंग, कास्ट से लेकर कंटेंट सब कुछ। और कंटेंट का सबूत तो हम OMG के फर्स्ट पार्ट में देख ही चुके हैं, लेकिन ये रिलीज डेट 11 अगस्त, ये कहीं नहीं जम रहा है लोगों को। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 अगस्त को सनी पाजी की ब्लॉकबस्टर हिट मूवी गदर का सिक्वल गदर 2 का रिलीज होना फिक्स है और गदर फिल्म से जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक ऐसी फैमिली पैकेज फिल्म जिसने 22 साल पहले ऐसा तांडव किया था सिनेमाघर में, जिसकी गूंज आज भी बरकरार है। नो डाउट पहले दिन इस फिल्म को हाउसफुल होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। यस, ये सब कुछ जानते हुए भी अक्षय पाजी को ऐसे जाइंट मूवी से कॉम्पिटिशन के लिए भेज दिया जो कहीं ना कहीं मूवी की ग्रोथ में थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा। दूसरा ये कि इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि OMG 2 भी सेम फैमिली पैकेज लेकर सिनेमाघर में उतरेगी, जो कि प्लस पॉइंट होगा। ये तो है, पब्लिक के पास दोनों ही ऑप्शन बेहतरीन रहेंगे और नो डाउट दोनों फिल्में लंबे समय के लिए एंड ऑफ द अगस्त तक टिकने वाली हैं। लेकिन एनिमल मूवी ने तो हथियार डाल दिए थे सनी बाजी के सामने और अपनी रिलीज डेट सीधा दिसंबर पहुंचा दिया है। तो देखो दोस्तों, OMG 2 में कितना दम होगा, गदर 2 को ये कितना टक्कर दे पाएगी, वो 11 अगस्त को पता लग ही जाना है। और साथ ही आप अब आपको जल्द ही इस मच अवेटेड मूवी का टीजर और ट्रेलर दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जुलाई भी अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि कुछ दिन बाद गदर 2 का टीजर और ट्रेलर भी आ जाएगा, जो कि पब्लिक को लगातार सिनेमा से टच करके रखेगा और दोनों ही फिल्म के लिए लोग फेस्टिवल की तरह इंतजार करेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, 11 अगस्त सही डिसीजन है OMG 2 के लिए? कि अक्षय बाजी सनी बाजी के सामने टिक पाएंगे? दूसरा, OMG 2 का आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।